गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार फटाफट बता दीजिए, क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। अंकित, प्रियांशी, रामजपाल, प्रीति, रंजना, सोनम, अंकित, आज कई बच्चे नहीं होंगे क्योंकि आज एमपीपीसीएस का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे वो एग्जाम देने के लिए। गए होंगे, ठीक है, तो बता दो एक बार फटाफट। ठीक है भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। बताओगे तो आप है नहीं, फटाफट। हमारा जो है दोस्तों पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे। आप डेली एक घंटा देते रहोगे ना, जिस भी बच्चे को 2023 में पीटी देना है, एग्जाम देना है, वो एक घंटा डेली यदि इस क्लास को देते रहेंगे और साथ में 15 मिनट रिवीजन को देते रहेंगे, उनको कभी पॉलिटी में डर नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। फुल कवरेज हमारा होगा और यहाँ पे वो वाला काम नहीं होता है कि आपको 20 क्लास पढ़ा के और छुड़वा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होगा। जो बोला है वो किया जाएगा, तो 20 क्लासेस पढ़ा के नहीं छुटाया जाएगा आपको, आपका कंप्लीट कवरेज कराया जाएगा, ठीक है। पिछली बार हमारे जल्दी छुट्टी लेने की वजह से 2-3 टॉपिक छूट गए थे, पंचायतें और न्यायपालिका इत्यादि, वो सब कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो ईमानदारी से इस क्लास को कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी, हम सबकी अकेडमी में। बात करते हैं दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया अकेडमी। मेरी सारी क्लासेस के जितने भी लिंक हैं, टाइमिंग है, नोटिफिकेशन है, पीडीएफ, सब पीडीएफ आपको यहीं पे मिले, ठीक है। आपका काम है पीडीएफ डाउनलोड करना और उसको रिवीजन करना। इसके साथ ही दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी पे जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन पे यदि हैं तो मैं ललिता दहिया के नाम से मिल जाऊंगी। डाउनलोड द ऐप ललिता दहिया अकेडमी आप अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट। जिसने डाउनलोड नहीं की है, इंस्टॉल नहीं की है, वो इंस्टॉल कर ले, बहुत फायदा होगा आपको। आपको पता लगेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन वास्तव में कैसे करनी चाहिए। और दोस्तों एक बात बता दूं, एक साल दे दो जिसे कहते हैं ना कि कंप्लीट मेरे नियंत्रण में रह के पढ़ाई करो, उसके बाद आपको आभास होगा कि 2023 वाले स्टूडेंट्स कितना आगे रहेंगे कंपटीशन में, ठीक है। क्योंकि हम वहां पे समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे और बेसिक काम है अपनी अवधारणात्मक समझ को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला बैच पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2022-23-24 वाले स्टूडेंट भी आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये 25 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कवरेज कराया जाता है पॉलिटी का, कैसे अवधारणात्मक समझ बनाई जाती है, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम अभी हम 11वीं में है तो एडमिशन ले ले, तो नहीं बच्चे, आपको अभी एडमिशन नहीं लेना है। मैं उतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं कह दूं हाँ सब एडमिशन ले लो, 5वीं का बच्चा भी एडमिशन ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। आप अभी 11वीं के बच्चे अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप क्या करो, आप अभी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है बच्चे। आपका अभी अपना सिलेबस पढ़ने की उम्र है, अभी 12वीं करो, उसके बाद जो है आप एनसीईआरटी पढ़ो, जब थोड़ी समझ बन जाए तो फिर आप एडमिशन लेना, ठीक है। चलो, मैं आज सुबह ही मैसेज देख रही थी, कहीं मैसेज में ही पढ़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दूसरा हमारा बैच आ गया है इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस। ये ऑलमोस्ट 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कमिंग सून लिखा है लेकिन ये 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को आईआर का आई भी नहीं पता ना, उसको पता लगेगा आईआर को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है इसका, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करवा दे। चलो भाई फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। परसों की क्लास में हमने पहले टॉपिक से शुरू किया, जिसमें हमने पढ़ा संविधान का निर्माण। हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने देखा कि भाई संविधान का निर्माण की बात किसने रखी, फिर पूरी प्रोसेस कैसे चली, क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कितनी सीटें थी, कितने लाख पे एक सीट थी और किस किस भाग में बांटा गया था कि मुस्लिम, सिख और सामान्य। उसके बाद हमने देखा कैसे चुनाव हुआ, क्या पूरी तरीके से नामित थी, क्या पूरी तरीके से निर्वाचित थी कि मनोनीत भी थी, तो हमने ये वाला एंगल देखा। क्या व्यस्त मताधिकार से चुनी गई थी कि सीमित मताधिकार से चुनी थी, वो सारी चीजें देखी। फिर हमने देखा भाई इसकी बैठक कब हुई,
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, स्थाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसको डिटेल में पढ़ा हमने, उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा, किसने रखा, ये सारी चीजें हम परसों की क्लास में मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, रिवाइज भी करा चुकी हूँ। बस एक बार दो मिनट में बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि 1947 का एक्ट आया, इसने हमारी संविधान सभा की स्थिति में परिवर्तन किया और हमारी संविधान सभा को संप्रभु संविधान सभा बना दिया, यानी अब हमारी संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु थी संविधान बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव इनको कब कब पारित किया गया, फिर इस संविधान सभा ने क्या क्या और काम किए कि भाई राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लिया, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया, ये तिथियां आपको बताई थी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, आईएएस में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अंतिम बैठक कब हुई, टोटल बैठकें कितनी हुई और फाइनली किन किन समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें हमने देखा था 8 बड़ी समितियां जो हमने देखी थी, ठीक है। ये सारी चीजें हम परसों की क्लास में कर चुके हैं। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हुई, मैं बस ये कह रही हूँ मेरी क्लास में रेगुलर रहना, आपका पॉलिटी बिल्कुल नहीं, मैं आप ये सोच के चल रही हूँ दोस्तों कि बिल्कुल आप जीरो हो अभी और 5 महीने बाद पॉलिटी में हीरो बना दूंगी, इतना मेरा वादा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां तक किसी भी कोई बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, क्लियर। तो चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे हमें देखना है कि भाई संविधान सभा की सभी समितियां थी, सब समितियां काम कर रही थी, हमने देखा अलग अलग है, संघ संविधान, संघीय समिति, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए समिति, संचालन समिति, नियम समिति, प्रारूप समिति, सब बढ़िया से काम कर रही है अपना अपना जो इनको कार्य क्षेत्र दिया गया है। इन सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। दोस्तों इस प्रारूप समिति के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं पीटी में कि भाई कब रखा, किसने रखा, इसी से प्रस्तावना निकली है क्या, ठीक है, इसके क्या, इसमें क्या क्या समाहित था, तो मोटा मोटा आपको पता है तो आप कर लो। इसी तरीके से प्रारूप समिति के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है। ये जितनी भी समितियां थी दोस्तों, इन समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति। इसका काम क्या था, संविधान का पूरा प्रारूप डिसाइड करना कि भाई संविधान कैसा होगा, ठीक है, वो काम था इसका। एक तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस समिति का गठन कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाले। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। यह वह समिति थी जो नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की इस समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, ये भी पूछता है, टोटल 7 सदस्य थे, 1+6 यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। इसके अध्यक्ष पूछते हैं बार बार, तो आपको ध्यान रखना है B.R. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, याद रख लोगे प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 और B.R. अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसके जो अन्य सदस्य है ना दोस्तों, की गोपालन स्वामी अयंगर है, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, M.N. माधव राव और कृष्णा मचारी, ये आपको रटने नहीं है कि आपसे कोई सोते सोते पूछे कि भाई कौन कौन से 6 थे, तो रटने नहीं है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। 4 बजे भी आपको कोई जगह के पूछे कि बताओ भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए B.R. अंबेडकर थे, ये पता होना चाहिए। लेकिन ये जो अन्य 6 सदस्य है ना, इनको एक सरसरी निगाह से आपको जरूर देखना है, सरसरी निगाह से जरूर देखना है। क्वेश्चन बना है पीसीएस में कई बार, यहाँ पे दे दिया है जवाहरलाल नेहरू का नाम दे दिया है, सरदार पटेल का एक बार नाम दिया है कि कौन कौन सदस्य में शामिल नहीं है, तो आपको ये देखना है कि जो बड़े बड़े नाम थे ना वो इस प्रारूप समिति के मेंबर्स नहीं थे। क्यों मेंबर नहीं थे, लॉजिक क्या लगाना है, क्यों, क्योंकि वो तो खुद समितियों के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू तो 2-3 समितियों के अध्यक्ष थे, तो वो कहां से सदस्य बन जाएंगे प्रारूप समिति, है ना, याद है आपको वो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है। तो 6 के 6 मेंबर्स को सरसरी निगाह से देख लेना, ठीक है। अब विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत का पहला प्रारूप तैयार किया। अब क्या किया भाई, अलग अलग समितियों ने अपना एक विचार दिए और एक प्रारूप समिति ने फिर फाइनली क्या किया, उन सब पे विचार करके एक पहला प्रारूप पेश किया संविधान का।
भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। हुआ क्या, सारी समितियों ने अपने अपने सुझाव कि भाई ये संविधान में होना चाहिए, ये प्रोविजन बेस्ट है, ये मौलिक अधिकार होने चाहिए, ये प्रशासनिक कार्य संघ के होने चाहिए, ये राज्यों के होने चाहिए, मतलब एक पूरा प्रारूप बना के दे दिया। अब इस प्रारूप समिति ने अपना ये वाला, देखो ध्यान से समझो, ये प्रारूप तैयार किया और इसको क्या किया, लोगों के सामने रख दिया। अब लोगों ने इस पे चर्चा की, इस पे विचार किया और 8 महीने का ठीक ठाक समय दिया गया और लोगों के सुझावों को शामिल किया गया और फिर प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया लोगों के सुझावों को शामिल करते हुए। क्या कंक्लूजन निकला? यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में लोगों की तनिक भी भागीदारी नहीं थी, पूरा प्रारूप तैयार करने का काम प्रारूप समिति ने ही किया था, तो मुझे ये बता दो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। रुचि, बच्चे ऊपर 3 डॉट दिए होंगे, वहां पे जाके क्वालिटी बढ़ा लो अपने फोन की, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मेरी बात समझे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट से ध्यान रखना है कि भाई जो पहला प्रारूप था उस पे लोगों ने चर्चा किया, विचार किया और फिर से उस प्रारूप में संशोधन करने के बाद दूसरा प्रारूप तैयार किया प्रारूप समिति ने। ठीक है, सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, ये बात ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये तिथि इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, भाई फाइनल जो प्रारूप है वो बी आर अम्बेडकर जी प्राप्त वो करेंगे, पेश करेंगे। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पहली बार इसी में संविधान को पढ़ा गया। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें खंडवार विचार किया गया। अब हमें ये देखना है, अब कई बच्चे याद करेंगे कि भाई 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, 2473 पर चर्चा हो, कोई जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि भाई जब पहली बार संविधान को पढ़ा गया उसके बाद से उस पर विचार होना शुरू किया। ये तिथियां बिल्कुल याद मत करना, पागल हो जाओगे, नसे वसे जो है हिल जाएंगी, ये बिल्कुल याद मत करना। जो याद करने की चीज है वो बताती हूं मैं। खंडवार विचार किया गया। खंडवार का मतलब क्या होता है? देखो पूरे संविधान को देखोगे और खंडवार का मतलब होता है कि जी हम मौलिक अधिकारों पे अलग से विचार करेंगे, डीपीएसपी पे अलग से विचार करेंगे, ठीक है जी, हम जो है आपके संघ के कार्यों पे अलग विचार करेंगे, राज्यों के कार्यों पे, न्यायपालिका पे, राष्ट्रपति के पद पे, राज्यपाल के पद पे, यानी पूरे संविधान के ऊपर खंडवार चर्चा की गई। तो जब खंडवार चर्चा होगी तो बारीकी से अध्ययन किया जाएगा संविधान का कि भाई ये प्रोविजन सही है, ये गलत है। तो वहां पे भी काफी सारे संशोधन हुए। आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है कि 2473 संशोधन हुए, ठीक है, ध्यान रख लेना। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1919, कोई जरूरत नहीं है, तीसरी मतलब आपको ये पढ़ाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये संविधान आप देख रहे हो ना, जो आज 75 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है, ये एकदम से निर्मित नहीं हुआ है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं बनाने में। और प्रारूपों पे चर्चा, फिर हटाना, कुछ नई चीजें जोड़ना, लोगों के विचार लेना, खंडवार चर्चाएं करना, ये बताने का उद्देश्य है। बी आर अम्बेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूएंट एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर कर। आपको बस इतना याद रखना है, ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आप देखोगे, क्या देखोगे, साफ साफ लिखा है एतद द्वारा इस संविधान को, लास्ट वाली लाइन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि इतनी खंडवार चर्चाओं के बाद, अलग अलग लोगों की चर्चा, संविधान सभा के सदस्यों की चर्चाओं के बाद फाइनल जो हमारा संविधान बना उसको अंगीकृत किया गया कब,
26 नवंबर 1949। बात समझ में आई? यहां तक बता दो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, एक एक पेज को लेके चलेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो इसीलिए कहते हैं भारत का संविधान अमूल्य धरोहर है। हमारा कोई धर्म जाति क्षेत्र, यदि हम धर्म जाति क्षेत्र भाषाओं को मान के चलेंगे तो फिर हम वास्तविक राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाएंगे। यदि किसी को मानना है तो संविधान को मानो, सब कुछ संविधान है, धर्म भी संविधान है, जाति भी संविधान है, क्षेत्र भी संविधान है, तब जाके एक अखंड भारत का निर्माण हो पाएगा। क्योंकि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ न्याय, समानता, बंधुत्व के आदर्श को सजोता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे जो संविधान निर्माता है उनकी मेहनत है इस संविधान को तैयार करने के पीछे, तो इस आदर्श को हमको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे सभा में कुल 299 हो गए थे, ये मैं बता चुकी हूं आपको, उस दिन केवल, यहां से पीटी का क्वेश्चन बनता है याद रखना, संविधान सभा, जैसे सभा में कुल 299 सदस्य थे, मुस्लिम लीग निकल गई पाकिस्तान बनने के बाद, आपको पता है मैं परसों की क्लास में बताई थी आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा। ठीक है, कहां गया भाई, ये रहा। जैसे संविधान सभा में 389 सीटें थी, और जब मुस्लिम लीग निकल गई यानी ये 1947 का एक्ट आ गया, तो फिर आपके 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने एक बार और दिखा दिया आप। तो जिस दिन संविधान सभा की वो बात होनी थी, कुल 299 में से 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कभी इनफैक्ट आपको यदि फंसाना चाहे तो इस तरीके का स्टेटमेंट बन सकता है कि भाई संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे, तब जाके संविधान अंगीकृत हुआ था। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, बताइए। ये याद नहीं रखना है आपको बिल्कुल भी, ये 284 ने किए थे, ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस एक कंसेप्ट याद रखना है। ये तो याद रखना ही है कि भाई मुस्लिम लीग निकल गई तो 299 रह गए। अब उस 299 में से 284 ने साइन किए, ये याद रखना है कि भाई सभी सदस्यों ने साइन नहीं किए थे संविधान के ऊपर। ठीक है, अगला है, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन लोगों ने संविधान को अपनाया। लागू नहीं होगा, लागू कब किया जाएगा, जिस दिन संविधान को अपनाया कि भाई अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, यानी कि स्वयं को सौंपते हैं। ये तीन चीजें आपको पता है, अभी मैं प्रस्तावना कराने वाली हूँ। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस दिन संविधान बना दोस्तों, उस दिन एक प्रस्तावना संविधान में थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको पता है वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है, मैं जल्दी ही संविधान के सभी अनुच्छेदों के ऊपर एक क्लास लेके आने वाली हूँ, तो मैं बताऊंगी। अनुसूचियां वर्तमान में 12 हो गई हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां। तो याद रहेगा जिस दिन संविधान को अपनाया गया यानी 26 नवंबर 1949 को, संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी जहां जहां लिख रही हूं, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। आईएएस वगैरह में आप देखोगे कि आपको बोल देगा कि प्रस्तावना को संविधान से पहले लागू किया गया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपको लगेगा प्रस्तावना है भाई पहले है तो प्रस्तावना पहले लागू की होगी, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार ना कंसेप्ट या इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि भाई प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया, और विधि मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा, भारत के संविधान के पिता के रूप में भी उनको पहचाना जाता है। यदि पूछे पीसीएस में कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत, अब हमें यह देखना है संविधान के कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे,
बाकी कंप्लीट संविधान कब लागू हुआ, तो प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था पूरी तरीके से। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में क्यों चुना गया, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के दिन के रूप में। हम 25 जनवरी भी कर सकते थे, हम 15 जनवरी भी कर सकते थे। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है दोस्तों, ठीक है। क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसमें बेसिकली संकल्प पारित हुआ था कि भाई हर 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं बिल्कुल नए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हूं कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो याद रखिएगा इस 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में बेसिकली ये कहा गया था कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, वहीं से लिया है ये 26 जनवरी। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है अब हमें किसी एक्ट की जरूरत नहीं थी, ना तो 1935 की ना 1947 की। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शासन करने के लिए या हमारे देश की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमने अपना एक संविधान बना दिया था और हमारा संविधान लागू हो गया था और पूरी तरीके से तैयार था व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है। अभी रिवाइज कराऊंगी। यहां तक हो गया जी हमारा संविधान का निर्माण, ये तो आलोचनाएं हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, बता दो फटाफट। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, प्रारूप समिति को देखा, 29 अगस्त 1947, 7 मेंबर, B.R. अम्बेडकर को याद रखना है, बाकी को सरसरी निगाह से देखना है। हमने देखा कि पहला प्रारूप तैयार किया जिस प्रारूप समिति ने, लोगों के सामने रखा, चर्चाएं करने के लिए उनको 8 महीने का समय दिया। फिर दूसरा प्रारूप रखा, उसके बाद कई बार इसको संविधान सभा में रखा गया और बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए, इतना याद रखना है। और फाइनली जो संविधान बना उसको 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया गया, ठीक है। और फाइनली आपको देखना है अगले कुछ पीटी के पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक है, बस इतना याद रखना है, 84 मत याद रखना, इतना याद रखो। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई 26 जनवरी 1950 का दिन जो अपनाया गया संविधान को लागू करने के लिए, वो क्यों अपनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस 26 जनवरी का अपना ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब संविधान बना तो संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा ये अनुच्छेद भी बढ़े हैं और अनुसूचियां भी आपकी 12 हो गई हैं। और प्रस्तावना को पूरा संविधान बनने के बाद लागू किया गया। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है वैसे ही 1935 और 1947 के एक्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान तैयार था शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। तो मुझे ये बताओ, संविधान का निर्माण यदि आप लोगों से कोई पूछे कि भाई क्या क्या प्रोसेस रही है, क्रिप्स, कैबिनेट कैसे कैसे बना, कैसे कैसे चुनाव हुआ, कितने लाख पे एक प्रतिनिधि था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, किसने रखा था, कब रखा था, या आपसे पूछे कि भाई प्रारूप समिति क्या थी, कब गठित की गई थी, इसका काम क्या था, या अलग अलग समितियों के अध्यक्ष आपसे पूछे, या फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई, अस्थाई अध्यक्ष, स्थाई अध्यक्ष, तो इतने सारे एरियाज जो जो मैंने आपको पढ़ाए बिल्कुल, अरे खत्म नहीं हुई भाई, भागने के लिए तैयार है, तो दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं अभी, ध्यान रखना। देखो मेरी ना एक आदत है, जो अगर नया बच्चा कोई मुझसे जुड़ा है, मेरी एक आदत है दोस्तों, क्लास में मैं आप लोगों को
दो से तीन बार रिवाइज कराती हूं। और ये पैटर्न अपनी जिंदगी में अपना लो, कभी विफल नहीं होगे। अब सुन लो एक मिनट का लेक्चर, अब जगा ही दिया है तो। आप जो किताबों की अलमारियां भर के रखते हो ना दोस्तों, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आप एक किताब को फॉलो करो, उसको बार बार पढ़ो, उसको क्या करो बार बार पढ़ो। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार। हम भटक जाते हैं, हमारी प्रिपरेशन की सबसे बड़ी कमी होती है। एक एडुकेटर को फॉलो करो, आपको मेरे से नहीं समझ में आ रहा है मुझे छोड़ के आप दूसरे एडुकेटर को फॉलो करो, लेकिन एक को फॉलो करो एक सब्जेक्ट में। यदि आप पॉलिटी मुझसे पढ़ रहे हो, आईआर मुझसे पढ़ रहे हो, सोशल जस्टिस मुझसे पढ़ रहे हो, तो मुझसे ही पढ़ो। यदि किसी और से पढ़ रहे हो तो उनसे ही पढ़िए, वो भी सब एडुकेटर मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके भले के लिए कह रही हूं, भटकाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है आप लोगों को बार बार रिवाइज कराना, ताकि क्लास में ही आप याद करके उठेंगे। चलो भाई, अब देखेंगे इस संविधान सभा की आलोचना भी हुई। इस संविधान सभा की आलोचना के क्या क्या आधार थे, तो आलोचकों ने अलग अलग आधारों पर इसकी आलोचना की। भाई पहला तो यही बोला कि भाई ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनको भारत के लोगों ने नहीं चुना था। यानी कि ये जो सदस्य थे ना, ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनको भारत की जनता ने नहीं चुना था। आपको पता है, आपको बताया भी गया है परसों की क्लास में कि भाई हमारी संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना था, बल्कि प्रतिनिधि जो प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य हैं उनके द्वारा चुना गया था। तो इसलिए पहली आलोचना इसी के आधार पर की जाती है कि भाई जनता ने नहीं चुना और व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखना है कि संप्रभुता का अभाव था। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। 1947 के एक्ट से पहले भाई संविधान सभा का निर्माण गठन, तो आपको पता है ना 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई, तो 1940 में ही हो गया था। और 1947 का एक्ट आया एक साल लगभग एक तरीके से 1947 में। तो जब हमारी संविधान सभा बनी, उस समय संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं, ये बोल रहा है। तो दूसरी आलोचना इसके आधार पे करते हैं आलोचक। समय की बर्बादी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि संविधान सभा ने अब आलोचना करनी है तो कुछ कुछ आधारों पे तो करेंगे ही ना, कि भाई इसके निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने ना मात्र 4 महीने में संविधान बना दिया था। ये तो मतलब बेबात की वो है आलोचना। आपको भी लगता है ठीक है भाई समय लगा, लेकिन क्या बन के आया हमारा संविधान? एक ऐसा संविधान जो आज भी प्रासंगिक है, जिसमें थोड़े बहुत संशोधनों की गुंजाइश भी संविधान में ही है। कि भाई संविधान ने ही तो हमको संशोधन करने का अधिकार दिया ना आर्टिकल 368 के तहत, कि भाई समय काल परिस्थितियां आएंगी। आपको मान लो ये एक किताब मैंने लिख दी, मैंने नहीं मतलब मान लीजिए एक किताब है, इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, और यदि कह दिया जाए कि यही किताब मान्य होगी आज से 200 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, तो क्या होगा? ये किताब ही वैलिड नहीं रहेगी, वैध नहीं रहेगी, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृतियों में, सोचने के तरीकों में। तो फिर क्या होगा? समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन की गुंजाइश रहनी चाहिए। और हमारे संविधान में भी जब आप देखोगे 368 के तहत संशोधन की गुंजाइश है, तभी तो संशोधन हुए। तो ये तीसरी आलोचना करते हैं कि समय की बर्बादी। तो ये तीन आधारों पे आप देख सकते हो कुछ कुछ आलोचक इसकी आलोचना करते हो, जिसमें से पहली आलोचना बिल्कुल सटीक है, दूसरी लिखने के लिए लिखते हैं। अब जैसे एक बात और सुनिए, आप लोग जब यूपीएससी या पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों का एक आधार, एक एंगल होना चाहिए किसी भी आंसर या किसी भी मुद्दे से डील करने का। आपके ऊपर ना भावनाएं हावी नहीं होनी चाहिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अग्निपथ का मुद्दा चला हुआ है ना, अग्निवीरों का मुद्दा चला हुआ है। अब आप लोगों से पूछा जाए तो आप ये कर दो, नहीं ये होना चाहिए, ये कर दो, फलाना कर दो, फूक दो, ऐसा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप कल को आईएएस बनने वाले हैं, एसडीएम बनने वाले हैं, यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका थॉट प्रोसेस एग्जामिनर देखेगा। तो आप किसी भी मुद्दे को जब भी पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा। भाषण नहीं देना है आपको, इमोशंस से नहीं, इमोशंस में आके कोई ऐसी बात नहीं लिख देनी है कि जिससे एग्जामिनर को लगे कि अरे ये तो भावुक लड़का है, कभी मतलब अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर ये तो न्यूट्रल रह ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझे दोस्तों आप? तो आप अपने सोचने का लिखने का तरीका बदलिए कि भाई ये है अग्निपथ योजना, ये इसके लाभ बताए हैं सरकार ने, ये इसकी कुछ हानियां हैं। अब इसका चारों ओर विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जब आप ये लिखोगे ना, आप लोगों ने यदि मैंने अग्निपथ के ऊपर एक वीडियो बनाई है उसको आज जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने ये नहीं कहा एक जगह भी कि इसलिए इसका विरोध करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा। क्योंकि मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों का भी एंगल ये होना चाहिए कि भाई विद्यार्थियों के अनुसार ये खामियां हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ताकि एग्जामिनर को आपको विरोध करना भी है ना, कर दो, लेकिन वो कैसे कि मेरे अनुसार नहीं है जी, मैं नहीं कह रहा ये बात, विद्यार्थी कह रहे हैं ये बात, और फिर फाइनल सा एक कंक्लूजन दे दो। ये आपका तरीका होना चाहिए दोस्तों थॉट प्रोसेस का। मेरी बात समझे आप? तो भावनाएं हावी नहीं होनी चाहिए आपकी लेखन शैली के ऊपर, बिल्कुल जज्बातों में नहीं बहना है, ठीक है? मतलब पर्सनली मैं फेवर नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और आप उस लेक्चर को सुनिएगा, आपको ना एक थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की, तो हमको कैसे सोचना है। चलो भाई दो चार क्वेश्चन बता दो, उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं कराए, क्वेश्चन कराए कि नहीं, चलो बता दो, दो चार क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो ताकि बताओ फटाफट। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? फटाफट बता दो। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 42, सर्वदलीय सम्मेलन 46। जो भी हमने पढ़ा है उसके तीन तीन चार चार क्वेश्चन कर लो, आंसर बताओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया, याद रखना स्वराज पार्टी 1934, पहले ही पढ़ा था। यदि पार्टी के तौर पे आए तो स्वराज पार्टी 1934, और यदि व्यक्ति के तौर पे पूछा जाए तो कौन कौन बताएगा मुझे व्यक्ति के तौर पे? एमएन रॉय। बहुत बढ़िया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को, यानी जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए उनको ब्रिटिश संसद ने नामित किया था, गवर्नर जनरल द्वारा उनको नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उनको चुन लिया था, क्या आंसर होगा फटाफट बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कई बच्चे गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हो? अब तो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में, इसलिए गलत मत करो। और आपको ना इन टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ललिता दहिया एकेडमी टेलीग्राम, सब कुछ ललिता दहिया एकेडमी के नाम से मिलेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, सब कुछ। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, क्यों? क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं चुना गया था। जैसे आईएएस 13 का क्वेश्चन देखो, अब आपने टॉपिक पढ़ा और आईएएस 2013 का क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया था। किसी को कोई भी दिक्कत? ये बात जो मैं आप लोगों को बता रही हूं ना, ये एवं ही नहीं बता रही थी कि अरे मैम पांच बार रिपीट कर दी इस बात को कि जनता द्वारा नहीं चुना गया था और व्यस्क मताधिकार पे आधार पर नहीं चुना गया था। ये बात इसलिए बताई क्योंकि खुद यूपीएससी में तीन या चार बार ये क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट, और पीसीएस में तो भरमार मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था,
जनता ने सीधे नहीं चुना, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, सब सही है। जैसे भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ भाई, बताओ फटाफट, 10 जून 1940, 9 दिसंबर 1940। कुछ तिथियां मैंने आपको याद करने के लिए बोली है जो कि अनिवार्य तौर पर आपको करनी है, और जो याद नहीं करनी थी मैंने बड़ा बड़ा कांटा लगा दिया है उनके ऊपर, है ना, तो इतना भी नहीं याद करना, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई, और इस पहली बैठक में अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष, और किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, बहुत बढ़िया। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी भाई, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फटाफट बता दो, जो भी पढ़ा है उसी के आंसर हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने आंसर ही बता दिया सीधा, याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को, उसके अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। और फिर दूसरी बैठक हुई थी कब, 11 दिसंबर 1940 को, और इस दूसरी बैठक में क्या किया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, और एच सी मुखर्जी को क्या कर दिया गया था, उपाध्यक्ष चुन लिया गया था, है ना, वेरी गुड। जैसे ये बताओ संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसी को डाउट है भाई, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, कृपलानी, अंबेडकर, नेहरू जी और अय्यर जी, आंसर बताओ, भारती सिंह। बच्चे ऊपर ना तीन डॉट दिए होंगे बच्चे, उस पे जाके क्वालिटी बढ़ा लो, मैं जल्दी ही बोर्ड लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन बोर्ड लगाने में मुझे अभी एक महीने के आसपास लग जाएगा, ठीक है, फिर एकदम क्लियर क्लियर दिखेगा आपको, वैसे अभी भी क्लियर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, आप बस ऊपर जाके क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। तो याद रखना इसको कैसे याद करवाया था मैंने, संघ संविधान समिति है या संघीय समिति है, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होंगे, कुछ ट्रिक्स आपको बताई गई है कल की परसों की क्लास में, देख लेना संविधान के निर्माण वाले। अब जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, किसी को कोई दिक्कत है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सपने में भी पता होना चाहिए आपको, ये सब आईएएस में पूछे हुए, बता दो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अंबेडकर, कौन थे, बी आर अंबेडकर, ये आईएएस का क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, अरे ये क्या किया है ना, ये गलती से लिख दिए है मेरे ख्याल से, ये दोनों आईएएस के, हाँ ये आईएएस 2 का है ये कंफर्म, ये मैं भी 2013 में अटेम्प्ट दी थी। एक पल को सही बताऊं आपको, सच्चाई यहाँ पे कोई बताता नहीं है, आप लोगों को लगेगा कि हम ना बड़े परफेक्ट होते हैं, हम कोई परफेक्ट होते हैं, हमने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन गलतियां हर इंसान से होती है, आपको सच्चाई बताऊं, जब 2013 में मैं पीटी दे रही थी, इस फर्जी से क्वेश्चन पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे इस तरीके से समझाने वाला कोई नहीं था, जो मेरे को बार बार बोल के ये समझा देता कि भाई ये पढ़ो यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां कंफ्यूज होते हो। अब जैसे सुनो एक बात, जब आप दोस्तों अपने से किताब पढ़ते हो ना, आप बहुत बढ़िया हो पढ़ने में, मैं मानती हूं आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, लेकिन आप क्या करते हो, किताब को पढ़ते जाते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बनता है, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बनता है, ये कोई बताने वाला होना चाहिए। जैसे हमने अभी संविधान का निर्माण जब मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको पीटी लिखवाया जहां से क्वेश्चन बनता है और बनने की संभावना होती है, तो याद रखना। हालांकि फाइनली मैं इस क्वेश्चन को ठीक करके आई थी कि प्रांतीय संविधान द्वारा ही निर्वाचित हुए थे, लेकिन मैं एक पल को सच्ची बता रही हूं, मैं कंफ्यूज हुई थी कि लोगों द्वारा तो नहीं चुन लिया गया था, लेकिन मुझे ये बताओ आप लोग कंफ्यूज हो गए कभी इस क्वेश्चन पे, बताओ कभी इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बैठी हूं, जो जो गलतियां मैंने की हैं आप लोगों से नहीं होने दूंगी, याद रखिएगा। चलो बी आर अंबेडकर का ये सबको पता है, बी आर अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, बंबई से, मध्य भारत से, पंजाब से, ABCD, है ना, तो टेंशन मत लो, आप लोगों को बताने के लिए मैं हूं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या छोड़ना है, दिमाग में ना नसें हैं छोटी छोटी आपस में अटैच्ड है, किसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा ना तो धुआं भी नहीं दिखेगा निकलता हुआ, अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, इसलिए क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो मैं हूं बताने के लिए, टेंशन नहीं लेनी है,
बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को मैंने अपनी तरफ से पढ़ाने का प्रयास किया, उसके टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तावना के चैप्टर को हम शुरू कर देंगे आज की क्लास। यहां तक दे दो भाई, मतलब यहां तक बता दो भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में? अब ठीक है, प्रस्तावना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे संविधान की प्रस्तावना की झलक दिखती है। यहां ये आपको बहुत साफ नहीं दिखेगा, यहां पे आते हैं हम। ये है हमारे संविधान की सुंदर सी प्रस्तावना, एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आज आप लोगों का एक होमवर्क होगा, और साथ याद रखना ये जो बैच हमारा चलेगा इसमें मैं जो आप लोगों को होमवर्क दूंगी वो आपको डेली करना है ईमानदारी से। अब हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है जी, हम पढ़ेंगे कैसे प्रस्तावना को? सबसे पहले तो मैं पढ़ने का तरीका बताती हूँ आपको, पढ़ना कैसे है प्रस्तावना को, हम क्वेश्चन कैसे डील कर पाएंगे। सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, बहुत बढ़िया, यानी संविधान की शक्ति किस में निहित है, किस में निहित है? हम में निहित है, जनता में निहित है, वी द पीपल ऑफ इंडिया में निहित है, ठीक है। पहली बात, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक एक शब्द का अर्थ मैं बताती हुई चलूंगी, अभी केवल प्रस्तावना पढ़ लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय यानी जस्टिस, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी इक्वेलिटी। यानी जस्टिस की बात है, लिबर्टी की बात है, इक्वेलिटी की बात है, तीन प्रकार के न्याय की बात है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार का न्याय? जब प्रस्तावना को पढ़ोगे तो इसी तरीके से पढ़ना है आपको, कितने प्रकार का न्याय? तो तीन प्रकार का न्याय, ठीक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी दो प्रकार की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी एक प्रकार की बंधुता, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक देख लो भाई, दिनांक देख लो भाई ध्यान से, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? इसके कुछ कुछ प्रोविजन को अपनाते हैं, मतलब इसके प्रोविजंस को अंगीकृत का मतलब है अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं कि भाई अधिनियमित कर दिया हमने मतलब लिख दिया इसको, और आत्मसमर्पित कर दिया कि मतलब स्वयं को अर्पित कर दिया। ये तीन शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इस प्रस्तावना को याद कैसे करना है, पीटी में जहां जहां कंफ्यूज होते हो उसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले यहां पर लिख लेना है आपको SSP। इन फ्यूचर आप भी SSP बन सकते हो भाई, अगर किसी का IPS बनने का ख्वाब है तो बिल्कुल SSP से याद रहेगा। SSP से कैसे याद रखेंगे कि भाई S4 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस S4 समाजवाद और इस P4 पंथ निरपेक्ष। याद रखिएगा ये क्रम पूछ लेता है आपको PT में कि भाई क्रम बताइए, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो याद रहता है, पंथ निरपेक्ष समाजवाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि भाई हम भारत के लोग, SSP, S संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, S समाजवादी, P पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको हमेशा याद रहेगा ही, क्योंकि वो एक टर्म है, वो एक फ्लो में बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना पहला पॉइंट पीटी के लिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका क्रम पूछा जाता है कि भाई न्याय पहले है कि स्वतंत्र, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं नहीं बना रही हूँ, आपको IAS PCS की जब मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको MCQ सीरीज में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि क्रम बता दो, पहले न्याय है कि पहले स्वतंत्रता है, तो इसको आपको याद रखना है जले से, जले
JLE जले, यानी जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। पहले जस्टिस की बात है, उसके बाद लिबर्टी की बात है, उसके बाद इक्वेलिटी की बात है। अब जी जस्टिस कितना, तो आपको ये तीनों ये अब याद रखना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप लोगों से क्वेश्चन कैसा बनता है, आप पीसीएस या आईएएस का एग्जाम देते हो तो उसमें ये दे देता है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, वो चार ऑप्शन दे देगा। बताओ, एक क्वेश्चन में करा ही देती हूँ आपको, जैसे उसके बाद आपको पता लग जाएगा। जैसे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2016 में, आईएएस 2016 में, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा गुण भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, यानी क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को नहीं मिलेगा। विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ये इसलिए एक क्वेश्चन मैंने करवाया ताकि आपको पता रहे कि हमको कैसे क्वेश्चन को डील करना है। आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, लेकिन आर्थिक न्याय की बात। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि न्याय कौन कौन से, स्वतंत्रताएं कौन कौन सी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता, बंधुता, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को और अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित। इस तरीके से आप यदि प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना में जो एक एंगल बनता है, क्या क्रम है, क्या क्या कितने कितने हैं, तो वो गलत नहीं होगा। समझ में आया यहां तक? सब बच्चों को थम्सअप दे दो। और आप लोगों का आज का होमवर्क है प्रस्तावना को कंठस्थ करना। कंठस्थ करने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल याद कर लेना। अब जब मेंस में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना दोस्तों, मेंस में भी सीधा क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना के ऊपर, 5-6 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जब वो क्वेश्चन लिखते हो ना, तो आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अभी वो तो मैं ऐप पे सिखाऊंगी आपको लिखना कैसे है प्रस्तावना से संबंधित आंसर, आप डायग्राम का कैसे यूज करना है। जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो आप किस तरीके से डायग्राम बनाओगे, ये थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, मैं सब सिखाऊंगी ऐप पे। पहली बात, अब हम आते हैं जी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। ये जो 13 दिसंबर 1946 को बेसिकली क्या प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारे संविधान की प्रस्तावना निकली। दीपक क्या बोल रहे बच्चे, मैम सिलेबस का पीडीएफ आज आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, वो बिल्कुल स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, मेरे ऊपर ना थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, वो अभी मिल जाएंगे आपको। मतलब क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस का जो पीडीएफ है आपको दोनों मिल जाएंगे। कृपया करके सिलेबस को समझ लो, इतना एहसान कर दो अपने ऊपर भी मेरे ऊपर भी। मेरे ऊपर इसलिए करोगे, अगले 2 साल में 10 से 15 सिलेक्शन लेने हैं, ठीक है, वो दोनों की मेहनत से आएगा, ठीक है। तो आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को बेसिकली ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। और ये भी पता है कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है इस उद्देश्य प्रस्ताव पे आधारित है, ठीक। के.एम. मुंशी ने, ये कभी कभी पीसीएस में पूछ लेता है कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा है प्रस्तावना को, पीसीएस में, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, 2 से 3 बार पूछा हुआ है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। अब अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना आप आज देख रहे हो ना दोस्तों, 1950 या 26 नवंबर 1949 को जिस दिन ये प्रस्तावना अधिनियमित अंगीकृत और आत्मसमर्पित हुई, उस दिन हमारे संविधान की प्रस्तावना ऐसी नहीं थी। यहां से आईएएस में कई बार क्वेश्चन बने हैं, कैसी थी? तो याद रखना, इसमें आपको समाजवाद शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्षता नहीं थी, और अखंडता नहीं थी। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समझ में आया? यानी कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जब तीन शब्द जोड़े गए
समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। अब आते हैं इस प्रस्तावना पे, यानी अगर आप 1949 की प्रस्तावना को देखोगे तो आपको ना तो समाजवादी मिलेगा, ना पंथ निरपेक्ष मिलेगा और ना ही आपको अखंडता शब्द मिलेगा। यानी कैसी होगी प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्यों, क्योंकि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता तो 42वें संशोधन द्वारा जुड़े गए। आईएएस 2021 का भी क्वेश्चन है ये, अगर आपको याद हो आईएएस 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन बना, क्या क्वेश्चन बना कि मूल रूप में प्रस्तावना कैसी थी, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना था कि भाई समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं थे क्योंकि ये तो बाद में जुड़े, तो मूल रूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। याद आया आपको, क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा। थोड़ा रिस्पॉन्ड किया फिर, सीधा सीधा क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो एक बार ही संशोधन हुआ है पूरी प्रस्तावना में, ये हमने देखा, और इसे संविधान का परिचय पत्र। भाई प्रस्तावना क्या है, अब मैं आई आपके सामने, मैं बैठी हूं, अब आप अगर अभी तो मेरे को जानने लगे हो, आप मान लो मैं पहली क्लास लू या कोई भी बंदा पहली बार आए आपके सामने और वो आपको बताएगा ना, जैसे क्या बताएगा आपको ना, परिचय पत्र, थोड़ा थोड़ा समझ के चलो, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, क्या बताएगा। मैं आपके सामने आई कि भाई मैं हूँ ललिता दहिया, मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है आईएएस और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने का, मेरे को आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, इंटरव्यूज का अनुभव है, तो आपको लगेगा कि भाई लड़की जो है अनुभवी है। आप मेरे स्वरूप को कैसे समझे कि मैं आपको पढ़ाने में सक्षम हूं, क्या क्या मैं यूपीएससी की डिमांड को समझती हूँ, क्या मैं पीसीएस की डिमांड को समझती हूँ, कैसे आपको पता लगा कि भाई इतने मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, भाई अनुभव है बंदे के पास, ठीक। अगला, एमए किया है जी, मैं आपको पॉलिटी क्यों पढ़ा रही हूँ, जी मैंने, भाइयों और बहनों, मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशन में। अच्छा जी, और कुछ, जी मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है जी, कितनी बार, तो जी 6 बार जी मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई है जी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा और कुछ, अच्छा जी तो आप ये बताओ, आपने एमए पॉलिटी में किया है तो आप हमको इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो, अभी मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाने वाली हूँ तो आप हमको इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो, तो जी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है जी, मेरा जो वैकल्पिक विषय है, चाहे आईएएस का मेंस हो या जितने भी मैंने पीसीएस के मेंस दिए हैं, जो मेरा वैकल्पिक विषय है वो क्या रहा है, वो है इतिहास। तो जब आप मेरे बारे में इतना सुनोगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई आप मेरे पूरे व्यक्तित्व के बारे में जान जाएंगे, हाँ भाई ये पॉलिटी का भी बहुत अच्छा नॉलेज रखती है और डिमांड को समझती है यूपीएससी, और ये हिस्ट्री का भी नॉलेज रखती है क्योंकि इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को रगड़ के पढ़ा है, जान लगा के पढ़ा, ठीक है। ये होता है परिचय पत्र। अब प्रस्तावना पे आते हैं, मेरे से छोड़ के, मैंने बस ये नए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि भाई प्रस्तावना को परिचय पत्र क्यों कहा। परिचय पत्र का मतलब दोस्तों, जब आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हो ना, तो आपको पूरे संविधान का आदर्श समझ में आ जाता है कि अच्छा हमारे संविधान में न्याय की बात मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, बंधुत्व की बात मिलेगी और समाजवादी आदर्श मिलेंगे, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा मिलेगी, लोकतांत्रिक प्रणालियां मिलेंगी, गणतंत्र की अवधारणा मिलेगी और हमारा जो देश है वो क्या है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। तो मुझे ये बताओ, जब आप संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको पूरे संविधान का स्वरूप समझ में आता है कि नहीं आता है, भाइयों और बहनों फटाफट बता दो, परिचय पत्र समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन, आनंद कह रहे हैं क्यों हिस्ट्री क्यों ली थी मैं वो इसलिए ली थी क्योंकि एक अफवाह थी, हालांकि वो थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो सकती है उसमें, कि पॉलिटिकल साइंस में ना हिंदी मीडियम में नंबर कम आते हैं, ये एक रीजन था, ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। आपको प्रस्तावना समझ में आ गई, हिस्ट्री में बढ़िया नंबर आते हैं। अब
अगला पॉइंट हम देखेंगे, मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई, ये बताया कि भाई ये क्या क्या है। अब संविधान में इसको यदि हम देखें तो संविधान में शक्ति के स्रोत को बताती है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है, परिचय पत्र कैसा है, क्यों है परिचय पत्र। एक तो शक्ति के स्रोत को बताती है कि भाई जो संविधान, जो शक्ति है भारत में वो किसके हाथ में है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, वो राष्ट्रपति के हाथ में है, वो न्यायपालिका के हाथ में है कि किसके हाथ में है, ना वो जनता के हाथ में है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, हम है, जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो पहली बात हमको ये पता लगती है। दूसरी बात, जब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें भारत की प्रकृति के बारे में पता लगता है, भारत के नेचर के बारे में पता लगता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। जी मैं डिटेल में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताने वाली हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद क्या होता है ना, तो याद रखिएगा। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला राष्ट्र। तो हमको प्रस्तावना पढ़ने से पूरे भारत के नेचर के बारे में पता लग गया कि पूरे भारत का नेचर कैसा है, वो हम बता सकते हैं। अगली बात हमको और क्या पता लगती है प्रस्तावना से, हमको संविधान के उद्देश्यों का पता लगता है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या क्या है। तो जी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, थोड़ा कट गया है ये इसके चक्कर में, ये जो है ना मेरी टीम भी क्या करती है, वो इनोवेशन करती रहती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन डे लगाने के चक्कर में पीछे वाला छूट गया, लेकिन आप सबको पता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आदर्श आपको देखने को मिलते हैं। और संविधान लागू होने के, अपनाए जाने की, संविधान अपनाए जाने की तिथि का पता लगता है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949, यानी कि जो ये परिचय पत्र है इससे हमें ये पता लगा कि भाई हमें संविधान की शक्ति का स्रोत का पता लगा, हमें भारत की प्रकृति का पता लगा, हमें संविधान के उद्देश्यों का पता लगा और संविधान अपनाए जाने की तिथि का पता लगा। ठीक, अब कल की क्लास में हम करेंगे, देखो रेगुलर रहना इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 1 घंटे की क्लास होगी, ये मेरे को ऐप पे भी पढ़ाना है, बच्चे याद रखना 1 घंटे की क्लास होगी। 1 आवर में हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ते हुए जाएंगे। 4 से 5 महीने मेरे साथ जुड़े रहिए, पॉलिटी का खतरा जो है ना कतई खत्म हो जाएगा। सिंह इस बार भी 2021 में भी 1 क्वेश्चन बाहर से आया था पॉलिटी में, सारे क्वेश्चन क्लास से थे। तो इस लेवल का मैं आप लोगों को बना दू, अभी आपको जो पीपीटी जो पीडीएफ मिलेगी ना वो आपको मिलेगा यहां तक, ये पूरा एक टॉपिक आपको संविधान का निर्माण का पीडीएफ मिल जाएगा। जो प्रस्तावना वाला पीडीएफ है इसकी शुरुआत मैंने आज करा दी है, ये वाली क्लास आपको कल खत्म हो जाएगी प्रस्तावना वाली। ठीक है, तो प्रस्तावना वाली पीडीएफ आपको कल मिलेगी, इकट्ठी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई, एक बार मुझे फटाफट ये बता दो क्या मेरी स्पीड ठीक है पढ़ाने की, क्या तरीका सही है, आपको समझ में आ रही है चीजें, कोई डाउट तो नहीं रहता है, और पूरा स्पेस रहता है, हम एक डाउट सेशन भी रखा करेंगे। ऋतिक लाऊंगी, मैराथन लाऊंगी, यार थोड़ा सा सब्र रखो, अभी बहुत वर्कलोड है मेरे ऊपर, अभी ऐप का काम चल रहा है, उसकी क्लासेस लॉन्च करनी है। ठीक है, तो दोस्तों 25 तारीख से जिस भी बच्चे को पॉलिटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है वो ज्वाइन कर सकता है, ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके इस कोर्स को ले सकता है। आईएएस मेंस विद करंट अफेयर्स एंड विद आंसर राइटिंग आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ और डिफरेंस देखेंगे अपनी लेखन शैली, अपने सोचने समझने की शक्ति में। और 5 जुलाई से अपना आईआर का सेशन शुरू हो जाएगा जिसमें मैं करंट के साथ कंप्लीट आईआर की कवरेज कराऊंगी, तो ये इसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं। ये क्लासेस हमारी 5 जुलाई के आसपास से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चलेंगी ऐप पे, पॉलिटी मेंस वाली और आईआर मेंस वाली, बाकी ये पीटी वाली पॉलिटी आपकी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चलती रहेगी। आप सब आइए और अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से रिविजन कीजिए। आप लोगों को एक आध क्वेश्चन ले लूं यार, जो हिस्ट्री का पीटी है ना, एक बार पॉलिटी हमारी यूट्यूब पे जब खत्म हो जाएगी ना, पॉलिटी जब यूट्यूब पे खत्म हो जाएगी अपनी, तो हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे। याद रखना हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कराने वाली हूँ इस बार मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो पॉलिटी हमारी अगले 4-5 महीने में बिल्कुल खत्म करवा दूंगी मैं, उसके बाद हिस्ट्री स्पेक्ट्रम लेके आऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो, कमेंट करो यदि समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ, और इन दोनों कोर्स में आप
एनरोल करा सकते हो यदि आप लोगों को मेरे पे भरोसा है और अच्छे से पढ़ना है तो। और याद रखना दोस्तों, यदि आप अपने आप पढ़ते हो ना कई बार, तो क्या होता है, चार दिन पढ़ाई होती है, फिर पांच दिन फैल के सोते हैं, फिर दो दिन पढ़ेंगे, फिर चार दिन तफरी मारेंगे। जब आप एक मेंटोर के गाइडेंस में पढ़ाई करते हो ना, तो एक रेगुलरिटी बनी रहती है। कल आपने शुभम आईएएस जो रैंक वन थी, उनका इंटरव्यू यदि सुना होगा मेरे चैनल पे, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई। कहते जब मैं दसवीं में था ना, तो मुझे एक भरोसा था कि मैं लगातार मेहनत कर सकता हूँ, बाकी कोई लगातार मेहनत नहीं करेगा। ये जो आत्मविश्वास होता है ना, और कंटिन्यू मेहनत करने की जो प्रवृत्ति है, यही आपको आगे लेके जाएगी, यही सिलेक्शन कराएगी। ऐसे नहीं कि दो दिन जो है आपने 18-18 घंटे पढ़े और फिर जो है आप चार दिन क्या किया, मूवी देखे, तफरी मारी, सोए, तो यही, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ बात। कंटिन्यूटी, भले ही आप 7 घंटे पढ़ो, बस 7 घंटे, लेकिन कंटिन्यू तरीके से। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। कल मिलेंगे, प्रस्तावना को कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।